हेलो दोस्तों, हमारे जनरल लाइफ में एक ऐसी एप्लीकेशन है जो VFD के 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन को बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेन करती है। वो है हाई राइज बिल्डिंग में यूज होने वाला एलिवेटर, जिसे हम लिफ्ट भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। एक इंडक्शन मोटर में जनरली दो मोड में ऑपरेट करती है, मोटरिंग, दूसरा है रिजनरेटिंग या फिर ब्रेकिंग मोड। जब मोटर डायरेक्शन और रिक्वायर्ड टॉर्क एक ही डायरेक्शन में है तो उसे मोटरिंग मोड बोलते हैं। जब मोटर डायरेक्शन और टॉर्क दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसे रिजनरेटिंग या फिर ब्रेकिंग मोड भी बोलते हैं। अब एलिवेटर में दो पार्ट होते हैं, एक कार जिसमें पैसेंजर होते हैं और दूसरी तरफ एक काउंटर वेट होता है जो एक ग्रिप रोप के द्वारा मोटर पुली को के थ्रू बंधा होता है। यहाँ एक कंडीशन है कि काउंटर वेट जो है वो एम्प्टी कार से ज़्यादा भारी होता है, और जब कार पैसेंजर कार फुल होती है तो उसका वजन काउंटर वेट से ज़्यादा होता है। पहली सिचुएशन लेते हैं जब कार फुल है और नीचे से ऊपर जाना है, मतलब अब कार का वेट काउंटर वेट से ज़्यादा है, तो ऑब्वियस है मोटर को वर्क डन करना पड़ेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में कार ऊपर पुल करने के लिए। मतलब मुझे मोशन और टॉर्क एक ही डायरेक्शन में चाहिए, इसका मतलब है मुझे मोटर को मोटरिंग मोड में ऑपरेट करना पड़ेगा। ये ऑपरेशन आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ लोड के हिसाब से VFD में फॉरवर्ड टॉर्क लिमिट सेट करनी पड़ती है, जो रेटेड टॉर्क की परसेंटेज की टर्म में होता है। जनरली ये डिफॉल्ट 200% तक हो सकती है। आइए अब इसको इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट से भी समझते हैं। इसमें पावर सप्लाई भी करंट आई को मोटर में पंप करता है ताकि मोटर एक पॉजिटिव टॉर्क जनरेट कर सके और कार को ऊपर पुल करने के लिए। मोस्टली इंडस्ट्री में ऐसी एप्लीकेशन पाई जाती है जहाँ मोटरिंग एक्शन हो, जैसे कंप्रेसर, पंप्स, फैंस, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन में फॉल करती हैं, क्योंकि इन इक्विपमेंट का ऑपरेशन जो है वो यूनिट डायरेक्शनल होता है। इन एप्लीकेशन में VFD में सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन ही इनेबल किया जाता है। नेक्स्ट लेते हैं क्वाड्रेंट 3 ऑपरेशन। सपोज अब एम्प्टी कार जो है वो ऊपर से नीचे आती है, अब ऑब्वियस है पहली कंडीशन मोटर का डायरेक्शन रिवर्स होना चाहिए, तो मतलब VFD में रिवर्स फंक्शन भी इनेबल करना पड़ेगा। पर ध्यान रहे, अब कार खाली है तो कार का वेट काउंटर वेट से कम होगा, तो मोटर काउंटर वेट को ग्रेविटी के अगेंस्ट में पुल करेगी। इसके लिए टॉर्क चाहिए, वो भी रिवर्स डायरेक्शन में। तो यहाँ पर मोशन और टॉर्क दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे बट रिवर्स में, इसका मतलब है ये भी मोटर एक्शन हुआ। अब थर्ड क्वाड्रेंट में फर्स्ट की तरह VFD में रिवर्स टॉर्क लिमिट सेट करनी पड़ती है, जो रेटेड टॉर्क की परसेंटेज की टर्म में होता है। ये भी डिफॉल्ट 200% तक होती है। इसको भी इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट से समझ लेते हैं। इसमें भी पावर सप्लाई V जो है वो करंट I को मोटर E में पंप करता है बट रिवर्स डायरेक्शन में, ताकि मोटर रिवर्स मोशन और नेगेटिव टॉर्क ऑफर कर सके। इंडस्ट्री में मोटर का फॉरवर्ड और रिवर्स मूवमेंट मोस्टली ट्रांसपोर्टेशन ड्राइव्स में यूज होता है, जैसे कन्वेयर बेल्ट्स हो गई, आपके लोडिंग अनलोडिंग मशीन्स के ट्रेवल ड्राइव में, स्टेगर क्लेमर, ट्रॉली ड्राइव एक्सेट्रा में होता है। अब देखते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट ऑपरेशन। इसमें एम्प्टी कार को नीचे से ऊपर लाया जाता है, मतलब मोटर फॉरवर्ड में रहेगी, लेकिन अभी यहाँ पर एम्प्टी कार का जो वेट है वो काउंटर वेट से कम होता है, इसलिए काउंटर वेट ग्रेविटी के कारण कार और मोटर दोनों को पुल करता है। पर कार सडन नीचे नहीं आ जाए, इसलिए मोटर फॉरवर्ड में चलकर भी एक नेगेटिव टॉर्क ऑफर करती है, वो भी मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में। इस नेगेटिव टॉर्क के कारण मोटर रिजनरेशन मोड में आ जाती है और पावर सिस्टम में रिवर्स एनर्जी फ्लो होता है। ये नेगेटिव टॉर्क ग्रेविटी से कम होता है, जो ये इंश्योर करता है कि कार की स्पीड जो है एक लिमिट में रहे। इस नेगेटिव टॉर्क की लिमिट आप VFD प्रोग्रामिंग में भी सेट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये लिमिट मोटरिंग मोड से कम ही होगी। नाउ लेट्स सी व्हाट इलेक्ट्रिकल सर्किट सेज। अब पावर सोर्स मोटर E बन जाता है और करंट I को सोर्स V में पंप करता है, मतलब रिजनरेशन हो रहा है। अब देखते हैं फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन, जब कार फुल होती है और ऊपर से नीचे आना होता है, मतलब मोटर रिवर्स डायरेक्शन में चलेगी और कार का वेट काउंटर वेट से ज़्यादा है। अभी वैसे कार का वेट ज़्यादा होने से ग्रेविटी के कारण कार मोटर और काउंटर वेट दोनों को पुल करेगी और मोटर रिजनरेशन में जाएगी। अब लेकिन कार सडन नीचे नहीं जाए ग्रेविटी के कारण, इसलिए मोटर रिवर्स मोशन के अगेंस्ट में एक पॉजिटिव टॉर्क ऑफर करती है, ताकि कार की जो स्पीड है एक सेफ लिमिट में रहे। यहाँ पर भी इस पॉजिटिव टॉर्क की लिमिट VFD में सेट करनी पड़ती है, बट नेचुरल ये जो लिमिट है वो मोटरिंग मोड से कम ही होगी। इलेक्ट्रिकल एनालॉगी में इसमें भी जो पावर सोर्स है वो मोटर E होगा, जो करंट I को सोर्स V में पंप करता है, मतलब रिजनरेशन हो रहा है। नाउ हैंडलिंग ऑफ रिजनरेशन। अब मोस्टली इंडस्ट्री में जो ड्राइव्स हैं वो एप्लीकेशन जो फॉरवर्ड और रिवर्स मोटरिंग की होती है, मतलब फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट ऑपरेशन की ज़्यादातर एप्लीकेशन पाई जाती है इंडस्ट्री में। इस कारण ड्राइवर को फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट ऑपरेशन के लिए रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, पर लोड की नेचर के कारण VFD सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में चली जाती है। जैसे एप्लीकेशन ले लेते हैं, एक फैन की एप्लीकेशन है। इसमें अगर जो है RPM का सेट पॉइंट फुल से सडन कम किया जाए तो फैन इनर्शिया के कारण घूमता रहता है और मोटर को पुल करने लगता है,
और मोटर रिजनरेशन में चली जाती है, जिससे डीसी बस ओवर वोल्टेज बढ़ जाता है और जो वीएफडी आपकी डीसी ओवर वोल्टेज बस से ट्रिप हो जाती है। इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए एक वायर वाउंड रेजिस्टेंस को डीसी बस पे कनेक्ट किया जाता है। जैसे ही रिजनरेशन डिटेक्ट होता है, ये रेजिस्टेंस डीसी बस पे अपने आप कनेक्ट हो जाता है। इससे जो जनरेटेड एनर्जी है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हीट के रूप में वेस्ट हो जाती है। बेसिकली ये रेजिस्टेंस मोटर पर लोड डालता है और जनरेटेड हीट को कंज्यूम कर लेता है, जिससे मोटर रुक जाती है। इसलिए इसको डायनेमिक ब्रेकिंग भी बोलते हैं, जिससे ड्राइवर रिजनरेशन मोड में नहीं जा पाता और रुक जाता है। स्पीड रेफरेंस में डीएक्सीलेशन टाइम बढ़ाकर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। अगर वो करने से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो डायनेमिक रेजिस्टेंस ऐड करना ही सॉल्यूशन हो जाता है। अब कई एप्लीकेशन ऐसी होती है जहाँ स्टार्ट स्टॉप काफ़ी फ्रिक्वेंट होता है और लगातार डीएक्सीलेशन रिजनरेशन फ्रिक्वेंट होता है। जैसे हाई राइज बिल्डिंग में एलिवेटर है, बार बार ऊपर नीचे होता है, होस्ट क्रेन में लोड अनलोड ऊपर नीचे होता है। ये इतना फ्रिक्वेंट फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन होता है कि जनरेटेड एनर्जी को वेस्ट करने की बजाय पावर सिस्टम में वापस फीड किया जाता है। पर इसके लिए वीएफडी में जो इनपुट ब्रिज है आपका, रेक्टिफायर कंट्रोल टाइप का होना चाहिए, मतलब आईजीबीटी वाला होना चाहिए, ताकि रिवर्स पावर फ्लो कंट्रोल की जा सके। लेकिन यहाँ कंट्रोल रेक्टिफायर ब्रिज होने से कॉस्ट बढ़ जाती है, तो डिसीजन जो है ज्यूडिशियसली लिया जाए ताकि आपका बेनिफिट हो। अगर वीएफडी में अनकंट्रोल ब्रिज यानी डायोड ब्रिज है तो रिवर्स एनर्जी फ्लो नहीं हो पाता, इसलिए इस एनर्जी को रेजिस्टेंस लगाकर हीट के रूप में वेस्ट करना ही सॉल्यूशन हो जाता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो से वीएफडी के फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन के कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हुए होंगे आपके। ये वीडियो आप अपने फेलो इंजीनियर्स और टीम में जरूर शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।